तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब क्लास में, जिसमें जेईई मेन मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू प्लस कॉन्सेप्ट दोनों ही कवर कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी एनसीईआरटी की मदद से बोर्ड लेवल पर क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स सिर्फ 28 वीडियोस, यानी कि पर चैप्टर लगभग एक वीडियो में बिल्कुल बेसिक स्क्रैच थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने सब कुछ करा रखा है। तो अगर अभी तक 11th 12th मैथमेटिक्स का कोई आइडिया नहीं, स्कूल में कहीं से कुछ नहीं पढ़े हो, देन आपके लिए सीरीज काफी बेस्ट रहने वाला है। और अगर इस सीरीज को फॉलो कर चुके हो या फिर 11th 12th मैथमेटिक्स स्कूल या कहीं और से पढ़ चुके हो, उसके बाद जेईई मेन का प्रिपरेशन करना हो, तो हमारे इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। अभी हम एलिप्स कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज पर चैप्टर हम 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। इन 30 क्वेश्चन को 10 10 क्वेश्चन के तीन पार्ट में ब्रेक करके हर पार्ट का सेपरेट वीडियो ला रहे हैं। जैसे एलिप्स में हमारे पास 31 क्वेश्चन है, तो इसके पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने कवर कर लिया है। आज के सेकेंड पार्ट में 11 से 20 तक कर लेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से बाकी बचे 31 तक। क्वेश्चन कर कहां से रहे, तो हमारे पास मोहित त्यागी सर और उनकी टीम की तरफ से कंपटीशन नाम का एक बुक आता है, जिसमें ऑन एन एवरेज पर चैप्टर 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू के रूप में दिए जाते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कम से कम बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, तो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया बुक बन जाता है, क्योंकि हम कम से कम टाइम में कम से कम क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स एग्जाम से कुछ दिनों पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिविजन करना चाहते हैं कि हर कॉन्सेप्ट पे कम से कम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, आपके लिए भी काफी बढ़िया बुक रहने वाला है। तो अगर बुक परचेस करना हो तो इस बुक का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल अगर आज की इस वीडियो में आगे बढ़े एलिप्स के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चालू करते हैं। सबसे पहले बोला क्या गया है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी दिया गया है, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन दिस कोनिक। अब ये कोनिक क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा गया है, 9x² + 16y² = 144। अभी इस फॉर्म में या तो सर्कल, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, तो इसको दोनों से डिवाइड कर दो। अगर नीचे वाला टर्म सेम आ गया तो फिर आपका सर्कल है, वरना फिर एलिप्स है। तो 144 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा x² / 16 + y² / 9 = 1। इसे जरा अगर ड्रॉ कर लूं तो बड़ा वाला वैल्यू x के साथ है, यानी मेजर एक्सिस x एक्सिस पे, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। तो a² = 16 है, तो a = ±4, इधर से कर देता हूं, ये 4 पे लाई कर रहा होगा कहीं, ये -4 पे, ठीक। इसका 9, अगर b² = 9 है तो b = ±3, ये 3 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अब दो पॉइंट्स है √7,0 एंड −√7,0, ये है −√7,0 और ये है √7,0, ठीक है। अब बोला जा रहा है भैया कि P हमारे इस कोनिक पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है P, मान लेते ये हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है। देन PA प्लस PB का वैल्यू क्या होगा, ये AB है अपना PA प्लस PB का। अच्छा, अगर आप ऑप्शन में देखो तो P तो मुझे पता नहीं कहां पर लाई कर रहा होगा, लेकिन P चाहे कहीं भी लाई कर रहा होगा, इसमें सेम वैल्यू दे रखा गया ऑप्शन में, P के बारे में कुछ नहीं बताया गया P कहां लाई कर रहा है। पर हाँ, चाहे P पॉइंट कुछ भी हो, ठीक है, P पॉइंट यहां हो कुछ भी हो, PA प्लस PB का एक चारों में से जो भी वैल्यू आएगा वो एक फिक्स वैल्यू आएगा ना। तो आप याद करो, पी ये PA प्लस PB का फिक्स वैल्यू तभी आता है जब आपके A और B पॉइंट्स फोकस पे लाई कर रहे हो। तो मैं चेक कर लेता हूं क्या ये फोकस पे लाई कर रहे हैं। फोकस पे लाई कर रहे हैं, कंडीशन क्या है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये C हो जाए, ठीक है। और C क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से बोल लो c² = a² - b², ठीक है। c क्या दिया गया, √7, तो c² क्या हो गया, 7, a² दिया गया 16 और b² दिया गया 9। तो जी भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, अभी साथ हो गया, ये हमारा फोकस पे ही है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स ए और बी पॉइंट फोकस पे ही है, ठीक है। तो ठीक है भैया, मतलब चलो मान लिया कि ए और बी फोकस पे है, वो हमने अभी प्रूव भी कर लिया, लेकिन कितना डिस्टेंस होगा। पी हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट रख देते, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो क्यों ना मैं इसे वहां रखूं जहां से मुझे वैल्यू पता है, जब कहीं भी रख सकता हूं तो मैं इसे यहां रख देता हूं, ठीक है। मैंने इसे यहां रख दिया। अब जरा ये देखो, तो ये वैल्यू होता है आपका a के बराबर ये लेंथ,
और ये लेंथ भी आपका ए के बराबर होता है। ठीक है, विश्वास नहीं होता तो हम ये जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये देखो, ये हमारे पास कितना है भैया, ये हमारे पास सी है, ये बी होता है ना, तो इधर कर दो अगर बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, तो इधर ए स्क्वायर अगर स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। यहां से भी ऑलरेडी हमें मिल रहा है ये वाला लेंथ इक्वल्स टू ए, इस फॉर्मूला में पुट करो तो। और ऐसे इतना करने का जरूरत नहीं है, आप याद रख सकते हो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ए कहते हैं, किसी भी एक माइनर पॉइंट पे अगर लेकर जाओगे तो, माइनर एक्सट्रीम पॉइंट ये या फिर ये, फोकस से कनेक्ट करोगे ए आएगा। तो दिस प्लस दिस कितना हो गया, टू ए। ए का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है 16, तो ए को आप ले सकते हो 4। अब ये क्या है देखो, पी ए प्लस पी बी ये डिस्टेंस है, ए अगर निकालोगे तो प्लस माइनस 4 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो 2 × 4 इक्वल्स टू 8, 11 का ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। तो बोला गया है द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एलिप्स एंड दिस सर्कल, जहां पे बी हमारे पास ग्रेटर देन 4 है, लाई ऑन दिस कर्व, देन बी इज इक्वल टू। देखो क्या बोला गया है, अपने पास एक एलिप्स है, एक सर्कल है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब बी इज ग्रेटर देन 4 होगा और इंटरसेक्शन पॉइंट्स इसके इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं अब ये लाइन का मुझे कर्व बनाने का मन नहीं कर रहा, मानते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है कुछ भी एक आधा तिरछा कर्व बना दो, बेसिकली इस लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, तो यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके इन दोनों, पहले इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और वो इन्हें भी सेटिस्फाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहे हैं। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ए और बी ना बोल के, क्योंकि बी ऑलरेडी मेरा ऑक्यूपाइड है यहां पे, मैं सी और डी बोल दूं, मैं अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सी और डी बोल दूं, तो ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले तीनों इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4b, और यहां से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर ये पुट करो, ये x की जगह 3c स्क्वायर, ये d स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को अगर यहां पुट कर दूं, x की जगह तो c आ रहा है c स्क्वायर, और y की जगह मैं यहां d स्क्वायर पुट करूंगा, लेकिन d स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 3 स्क्वायर मिल चुका है, तो कम से कम वेरिएबल्स मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अगर मैं c स्क्वायर कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो सी स्क्वायर यहां भी पहले वैल्यू पुट कर दो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 4b, और डी स्क्वायर की जगह 3c स्क्वायर है हमारे पास, तो ये हो चुका है हमारे पास कितना, 4c स्क्वायर। अब 4 4 कैंसिल कर सकते हो दोनों तरफ, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं। ठीक है, इतना मैं देख रहा था, मैं अभी इसको छोड़ के इस पे मैंने क्यों शिफ्ट किया था, क्योंकि यहां पर बहुत आधा तिरछा इक्वेशन बन रहा था, उससे अच्छा मुझे लगा यहाँ दोनों सब जगह पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका बी का वैल्यू इसमें पुट किया जाए कि इसका बी का वैल्यू इसमें पुट किया जाए। मुझे लग रहा है इसमें करने से इक्वेशन थोड़ा सिंपल दिखेगा हमारा। देखो बी को अगर यहाँ सी स्क्वायर की जगह बी पुट करते हो, ये बी बी ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब इसको लेकर जाओ तो बी स्क्वायर प्लस 16 ऊपर जाएगा 48, 16b = 1। ठीक है, तो ये इधर जाके हो जाएगा 16b, बी स्क्वायर माइनस 16b + 48 = 0। इसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 12b - 4b + 48 = 0, b माइनस 12 माइनस 4 b माइनस 12 = 0,
बी माइनस फोर बी माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। तो एक बी का वैल्यू आया 4, एक बी का वैल्यू आया 12। अब बोल रहा भैया कि बी जो है हमारे पास 4 से बड़ा है, तो ये तो 4 है, 4 से बड़ा चाहिए, तो 4 से बड़ा हमारे पास 12 है, 12 का ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले, तो बोला गया लेट अ टेंजेंट बी ड्रॉन टू दिस एलिप्स एट दिस पॉइंट वेर थीटा जो है हमारे पास 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम इज इक्वल टू। देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, ये एक एलिप्स का इक्वेशन है, इस पे कोई पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट हमारे पास 3√3 कॉस थीटा साइन थीटा, और एलिप्स का भी इक्वेशन लिख ही देता हूं, एक्स स्क्वायर में 27 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इस पे एक टेंजेंट है, ये जो पॉइंट गिवेन है ना, इस पॉइंट मानते हैं पॉइंट यहां है, इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली टेंजेंट जैसा दिख नहीं रहा तो मैं पॉइंट ही चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारे पास ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया है, अब ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट कुछ वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय, यानी कि यहां जो इंटरसेप्ट दे रहा होगा, ये जो इंटरसेप्ट दे रहा होगा, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, मानते हैं इंटरसेप्ट ए है ये बी है, इन दोनों का सम किस थीटा के लिए मिनिमम होगा। ठीक है भाई, इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट इज मिनिमम, तो मुझे थीटा का वैल्यू बताना है, थीटा का वैल्यू क्या रखूं कि ए प्लस बी का वैल्यू कम से कम है, मिनिमम है। तो चलो भैया करना चालू करते हैं, सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि इसके टेंजेंट का इक्वेशन मैं टी इक्वल्स टू जीरो से लिख सकता हूँ। टी इक्वल्स टू जीरो मतलब भैया कि एक पॉइंट चाहिए होगा, देखो टी इक्वल्स टू जीरो मतलब जो इक्वेशन दिया है ना उसमें मैं टेंजेंट निकाल रहा हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन पे, तो जस्ट इस इक्वेशन को लिख दूंगा टेंजेंट के लिए, एक जो हमारे पास एक्स, जहां भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होगा उसे मैं एक्स एक्स वन लिख दूंगा, वाई स्क्वायर होगा उसे मैं वाई वाई वन लिख दूंगा, एक्स को मैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिख दूंगा, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू, मेरे पास एक्स वन वाई वन इस केस में ये दिए गए हैं। तो चलो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 27 को एक्स इंटू एक्स वन, एक्स वन क्या है 3√3 कॉस थीटा बाई 27 प्लस वाई वाई वन, वाई वन क्या है साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अभी यहां से अगर 3 कट कर दूं ये नीचे 9 आ जाएगा, मैं 9 को अगर इधर लेके चला जाऊं इधर भी 9 आ जाएगा, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब देख लेते ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट ये वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, वाई इंटरसेप्ट पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का कुछ वैल्यू मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें तो वाई का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 9 और 9 कट जाएगा, ये बचेगा 1 बाई साइन थीटा, ये है हमारे ए के बराबर। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को हमने ए बोल दिया था, इसको ए लिख दो, ये आपके पास अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 कर दोगे, बचेगा सिर्फ ये, एक्स इज इक्वल टू 9 बाई अंडर रूट 3 कॉस थीटा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू हमने बी लिया है। अब इन दोनों का सम मिनिमम करने बोला है, तो इन दोनों का सम पहले लिखूंगा, क्या आएगा 1 बाई ये हमारे पास सम आ गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, एस डैश जो आपका फंक्शन है, फंक्शन इसके रूप में हमने लिख दिया है, चाहो तो एफ लिख सकते हो, चाहो तो इस एस के जगह आप एफ भी लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे एफ डैश लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो वेरिएबल लिखोगे उसका आपको जिस मतलब जिस फंक्शन का जिस वेरिएबल के रूप में लिखोगे उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे और उसे 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, उस वैल्यू पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। फिर डबल डिफरेंशिएट जब करेंगे तो अगर वैल्यू उसका नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो वहां मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मुझे मिनिमम के लिए चेक करना है। तो चलो करना चालू करते हैं, एस डैश अगर कर ले एक बार डिफरेंशिएट, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स थीटा
साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। एस डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 बाई, पहले इसको 9 बाई रूट 3 बाहर ले लेते हैं। कॉस इनवर्स थीटा को मैं लिख सकता हूं भैया, एक बार तो -1 बाहर लेके आएंगे, माइनस पहले माइनस जो पावर लगा हुआ है, पावर वाला काम कर लेते हैं, माइनस बाहर लेके आए, एक और माइनस होगा तो कॉस -2 थीटा, फिर अब कॉस थीटा को करेंगे तो -sin थीटा, तो यानी कि साइन थीटा और यहां से आपका माइनस हट जाएगा। साइन इनवर्स थीटा को अगर करेंगे तो पहले एक माइनस बाहर आएगा, फिर साइन ये थीटा हो जाएगा, देन साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़े हो तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिफरेंशिएशन पढ़ के आ जाओ, नहीं तो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या किया मैंने। कांस्टेंट को बाहर हम रखते हैं, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, अगर अकेले कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, नहीं तो किसी के साथ मल्टीप्लाइड हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। कॉस इनवर्स थीटा, पहले पावर जो -1 दिया गया उसको हमने लिया बाहर -1, फिर उसके बाद कॉस को हम अगर कॉस थीटा की जगह एक्स, कॉस इनवर्स थीटा की जगह एक्स का पावर -1 लेके चले, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, -1 पहले बाहर लेके जाते हैं, फिर एक पावर इसमें से और घटा देंगे, फिर उसके बाद ये अंदर वाले टर्म का करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक उस तरीके से पहले हमने कॉस इनवर्स के लिए -1 बाहर लेकर गए थे, माइनस आया था, फिर उसके बाद ये -2 इसके ऊपर आ गया, फिर जब अकेले कॉस का करेंगे तो -sin थीटा, तो माइनस पहले था और साइन थीटा का भी माइनस आया, दोनों प्लस हो गया। ठीक उस तरीके से हमने इसका किया है, ठीक है। ये जब 0 होगा, ये जब 0 होगा उस पॉइंट पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट या तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये 0 मतलब ये टर्म इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक तरीके से लिख देता हूं 9 बाई रूट 3 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 था ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। अब देखो मैं सोच रहा हूँ साइन स्क्वायर इधर लेके चल जाओ तो ये साइन क्यूब हो जाएगा, कॉस थीटा इधर लेके आ जाओ ये कॉस क्यूब हो जाएगा, और इधर बचेगा 1, ये क्या हो गया टेन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको अगर कट करो क्या लिख सकते हो, 3 × 3 √3, 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर, तो इसको ओवरऑल मैं √3 का क्यूब बोल सकता हूं, इसे अगर इधर लेके आऊं तो 1 बाई √3 का क्यूब। अब इसका मैं अगर क्यूब रूट ले लूं तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3 आ गया, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास 1 बाई √3 आ चुका है। अब देखो जब एक क्रिटिकल पॉइंट रहता है ना, जब एक क्रिटिकल पॉइंट होता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर श्योर शॉट पूछा कि मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ तो गारंटीड है कि उस क्रिटिकल पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा। सोचो कि अगर मैक्सिमम मिल जाए तो फिर मिनिमम निकालने का कोई तरीका ही नहीं है ना। अगर मैक्सिमम मिल रहा होता तो आप क्या ढूंढते कि नो पॉसिबल वैल्यू, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, एक श्योर शॉट आंसर दिया गया है, तो अगर मिनिमम बोला है तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट आपका मिनिमम के लिए ही होगा। अगर मैक्सिमम पूछता है मैक्सिमम के लिए ही होता है, ये क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम करके ही देता है। हाँ अगर यहाँ पे लिख देता नो पॉसिबल वैल्यू तब आपको चेक करना पड़ता कि मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है, और अगर दो वैल्यू मिलता है तब उन दोनों में चेक करते कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम, मैं कौन सा वैल्यू लू। अब देखो ये तो मैंने बोल दिया कि ये तय है कि एक ही वैल्यू आया है और श्योर शॉट मुझे कुछ ना कुछ आंसर चाहिए तो मिनिमम के लिए ही होगा, लेकिन स्टिल आपको चेक करना बता देता हूँ मिनिमम कैसे होगा, चेक कैसे करें। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे S डबल डैश, ठीक है। S डबल डैश अगर आप करते हो तो पहले 9 √3 आप बाहर ले लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, यू इसको यू बोल दोगे, इसे वी बोल दोगे, U.V से। U.V को कैसे डिफरेंशिएट करते, दो नंबर हैं, एक बार यू डैश करते हैं फिर वी, प्लस आपका वी डैश करते हैं फिर यू, ठीक उस तरीके से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। फिर जैसे आपको ये एक वैल्यू मिला टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √3, इसी तरीके से मान लेते दो वैल्यू मिला होता, मान लेते दो वैल्यू मिला होता तो ये इसका जो कॉस थीटा साइन थीटा के रूप में जो भी वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर करके देखते कि ओवरऑल वैल्यू किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव बन रहा है, जिसपे नेगेटिव बनता वो वैल्यू आपको इस एक्चुअल इक्वेशन में पुट करने पे, नेगेटिव अगर यहां बनता तो एक्चुअल वैल्यू पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू देता, और अगर यहां पॉजिटिव बनता
तो ये वैल्यू एक्चुअल इक्वेशन में पुट करने से हमें आपका इधर पॉजिटिव है तो इधर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इतना हमें गारंटीड है यार कि इस पे हमें मिनिमम ही मिल रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और ये हमारे पास थीटा बोला गया 0 से π/2 के बीच में ही है, यहां से यहां तक इसके बीच में 1/√3, सिर्फ और सिर्फ ये 30 डिग्री जिसे हम π/6 कहते हैं इसके ऊपर होता है। 13 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। तो बोला गया है लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू दिस एलिप्स एंड दिस सर्कल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो भैया क्या बोला है, एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस √3 है, ये R² होता है और सेंटर पे 0,0 पे लाई कर रहा है, ठीक है। कैसे पता चलता भैया सेंटर पे लाई कर रहा है, क्योंकि जब X² है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, X-0² प्लस Y-0² और इसे 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3। इसे अगर कंपेयर कर लो X-H² प्लस Y-K² = R², अब कंपेयर करो एच और के सेंटर्स होते हैं जो कि 0,0 और आर इक्वल्स टू √3 रेडियस, और ये हमारे पास ये A² होता है, ये B होता है। A का वैल्यू 3 ± 3 बोल सकते हो, B का वैल्यू ± 1 बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा रहा होगा, एग्जैक्टली आपका करेक्ट तो नहीं बना है लेकिन बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां से यहां तक लेके आपका 3 है एलिप्स के लिए और यहां से यहां तक 1 है, और रेडियस क्या है सर्कल का, यहां से √3। ऑफकोर्स इसके इसे छोटा रहेगा अंदर ही रह जाएगा, और इधर भी √3 इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा कुछ डायग्राम बन रहा है। अच्छा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ऐसे समझ लो, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, जब एक्स और वाई पॉजिटिव हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां मीट कर रहा है इस पे हमें टेंजेंट बनाना है अपने इस एलिप्स पे भी और सर्कल पे भी। सर्कल पे बनाऊं, कुछ ऐसा दिखेगा और एलिप्स के ऊपर ऐसा दिखेगा। अब इन दोनों के बीच मुझे एंगल पूछा जा रहा है, जो दो टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है, मुझे एंगल पूछा जा रहा है। आप देखो ये दोनों टेंजेंट्स के बीच दो एंगल हो सकते हैं, एक तो ये थीटा हो सकता है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच दो एंगल होता है, थीटा एक थीटा। अगर ये 90 डिग्री पे है तो सारे एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं है तो एक 90 से छोटा, एक 90 से बड़ा, यानी कि एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज बनेगा। मुझसे एक्यूट वाला एंगल पूछा है, तो चलो बनाते हैं एक्यूट वाला एंगल। एग्जैक्टली एंगल नहीं, उस एंगल का टेन थीटा पूछा है। तो देखो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, फिर आगे हम कुछ बात करेंगे, अननेसेसरी चीजें हटाते हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, फिर उस पर हम टेंजेंट बनाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। क्या है, X²/9 प्लस Y²/1 = 1। यहां पे Y² लिखते, अब ये वैल्यू इसमें इक्वेट कर देता हूं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ताकि दोनों को मिक्स जब करते हो ना दो इक्वेशंस को, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो Y² का वैल्यू क्या, 3 - X², तो वो मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 9 ऊपर जाएगा, फिर 27 - 9X² इक्वल्स टू 9, ये -8X², इधर आके हो जाएगा +8X², 27 - 9 इधर जाके हो जाएगा 18, 4, 9, 2 से कट किया हमने, X² = 9/4, तो X = +-3/2। अब ये पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
एक्स का दो वैल्यू आया प्लस माइनस 3/2, लेकिन बोला गया है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ और सिर्फ हम एक्स का पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं जो कि होगा 3/2। तो वाई का वैल्यू अब निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर क्या है 9/4, ये ऊपर जाएगा 12, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस, अगेन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं हम। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है एक्स कॉमा वाई, ये 3/3/2 कॉमा अंडर रूट 3/2। अब मुझे टेंजेंट निकालना है, तो मुझे पता है ये एलिप्स है, और इधर अपने पास सर्कल है। मुझे पता है अगर कोई पॉइंट गिवन होता है, अगर किसी भी कर्व पे मुझे टेंजेंट निकालना है, कर्व आपका सर्कल एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला कुछ भी हो सकता है, किसी भी कर्व पे अगर आपको टेंजेंट निकालना है, टी इक्वल टू 0 से निकाल सकते हो। अगर कोई पॉइंट दिया गया है एक्स वन कॉमा वाई वन, यहां पर एक्स वन वाई वन हमारे केस में ये पॉइंट है, हम क्या करते हैं जो इक्वेशन कर्व का दिया गया है उस कर्व पे किसी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट निकालने के लिए जितने भी एक्स स्क्वायर लिखेगा उस इक्वेशन में, उसे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, और वाई को हम वाई प्लस वाई वन बाई टू पुट करते हैं। पुट करो एक्स स्क्वायर को क्या पुट करोगे, एक्स इंटू एक्स वन जो कि हो जाएगा 3/2 इंटू 9, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन जो कि हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू 1, 3 कटेगा यहां से ये आ जाएगा 3, नीचे कॉमन रखने के लिए यहां भी 3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी 3, यहां से 3 इंटू 2 6, इधर आ जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे पास एक टेंजेंट का इक्वेशन है, दूसरे टेंजेंट, ये एक टेंजेंट का इक्वेशन है, दूसरे टेंजेंट का इक्वेशन देखूं जो कि इससे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे लेना है मुझे क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था वो सेम था, एक्स एक्स वन वाई वाई वन, एक्स एक्स वन वाई वाई वन इक्वल्स टू 3, टू दोनों साइड से कॉमन ले लो, इधर जाके 6 हो जाएगा। अच्छा अब दो जब मुझे टेंजेंट के इक्वेशन मिल गए, दोनों के बीच मुझे एंगल अगर पता करना हो तो इसका स्लोप एम वन निकालूंगा, इसका स्लोप एम टू निकालूंगा, दोनों के बीच के एंगल थीटा का अगर मैं टेन थीटा लू तो मुझे ये मिलता है एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन एम टू। तो एम वन कैसे आता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जब इक्वेशन लिख दोगे देन एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही हमारा स्लोप होता है इस फॉर्म में, मतलब एक साइड वाई छोड़ो बाकी सब एक तरफ लेके आ जाओ। इसे लेकर आऊं तो वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 3√3 प्लस 6, इसके लिए अगर देख लूं वाई इक्वल्स टू माइनस 3x/√3 प्लस 6 √3, ठीक है। अब इसके लिए स्लोप क्या हो गया, एम वन को अगर मैं बोल दूं एक्स का कोएफिशिएंट -1/3√3, -3/√3 या फिर -√3 बोल सकते हो, इन दोनों का फॉर्म मैच करने के लिए मैं -3/√3 ही बोल देता हूं। एम वन एम टू का वैल्यू मिल चुका है, इसमें अगर पुट करो एम वन माइनस एम टू, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 3/√3, ठीक है। नेक्स्ट वन प्लस एम वन एम टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या है, वन वन बाई 3√3 इंटू 3/√3, 3 से ये 3 जाएगा, √3 √3 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 + 1 ये हो जाएगा 4/3, ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 9 + 9 - 1 8, 8 ठीक है। और यहां से आपके पास
चार को आठ से डिवाइड करोगे, ऊपर बचेगा टू, यहां बचेगा थ्री, और ये तो 3√3 कॉमन आ गया था ना दोनों को जब हमने माइनस किया। एक थ्री यहां से चला जाएगा, एक थ्री यहां से चला जाएगा, बचेगा 2/√3 मॉड के अंदर। ठीक है, तो एक वैल्यू प्लस माइनस, ये दो वैल्यूज मुझे मिलते हैं। एक वैल्यू आपका एक्यूट के लिए मिलेगा, बड़ा वाला -2/√3, सॉरी ऑब्ट्यूज के लिए बड़ा वाला, और एक्यूट के लिए छोटा वाला 2/√3। क्यों? क्योंकि ऑब्ट्यूज आपका 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा में इधर नेगेटिव वैल्यू मिलता है टैन का, और 90 से छोटे में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, इसलिए आंसर है 2/√3। 14 का ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें, तो बोला गया है इफ अ टेंजेंट टू दिस एलिप्स मीट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एट बी। देखो एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² = 4 को अगर मैं लिखूं, 4 को नीचे लेके आऊं, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, मेजर एक्सिस एक्स पे है, ए स्क्वायर 4 के बराबर है, तो ए एक्चुअली आपके, सीधा देखो ए स्क्वायर आपके 4 के बराबर है, तो ए आपके यहां -2, ये +2 हो जाएगा, मीट द, और ये आपका ये 1 है, तो एक +1 -1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है, टेंजेंट टू दिस एलिप्स मीट्स द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एट बी। टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एट, बोल रहा है मेजर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मुझे टेंजेंट लेना है, तो मेजर एक्सिस का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है उस पर जब आप एक टेंजेंट लेते हो तो आपको इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन मिलता है आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब एक्सिस बेसिकली, ठीक है, इस एलिप्स के एक्सिस और मेजर एक्सिस पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा अगर मेजर एक्सिस पे टेंजेंट लोगे तो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस एलिप्स पे कोई भी एक रैंडम टेंजेंट ले लो, मान लेते हैं कुछ ऐसा लेना चाह रहा हूं, इस पॉइंट पे एक रैंडम टेंजेंट ले लूं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक रैंडम पॉइंट है। अब ये जो मैंने रैंडम टेंजेंट लिया किसी भी एक पॉइंट पी पे, बोल रहा है इन दोनों को बी और सी पे कट कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं बी और सी पे कट कर रहा है, जो बीसी है हमारे पास एक सर्कल का डायमीटर है, इन द सर्कल विथ बीसी इज डायमीटर, जो बी और सी है हमारे पास ये एक सर्कल का डायमीटर है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट इस सर्कल से पास करेगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूं, कहने का मतलब कि हमारे पास एक एलिप्स था, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट बनाया जो कि इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन खींचा, अब इस पे किसी भी एलिप्स पे किसी भी एक रैंडम पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींचा जो कि इन दोनों टेंजेंट्स को बी और सी पे कट कर रहे थे, बी और सी पे कट करते हुए जो लाइन बन रहा है वो एक डायमीटर है एक सर्कल का, तो जो भी सर्कल का इक्वेशन आपके पास आएगा उसमें उस सर्कल पे इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो देखो ये तो कोई भी, जब पॉइंट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा पॉइंट हो सकता है, तो मैं तो कोई भी पॉइंट ले सकता हूं, मैं तो ये भी पॉइंट ले सकता हूं, मैं तो ये भी पॉइंट ले सकता हूं जब इसके माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब टेंजेंट हो, माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका टेंजेंट हो। आप देखो जब मेजर एक्सिस पे था तो मेजर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट पे परपेंडिकुलर था, मेजर एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर था, तो ठीक इस तरीके से जब माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट पे, मतलब अगर मुझे लेना है टेंजेंट तो माइनर एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर होगा, तो एक तरीके से ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो यानी कि यहां से यहां तक मुझे एक सीधा सीधा डिस्टेंस मिला है, और ये डिस्टेंस मुझे क्या मिल रहा है,
ये डिस्टेंस मुझे मिल रहा है यहां से, ये दो है ऑलरेडी हमने मार्किंग कर रखा है, ये दो है, ये डिस्टेंस मुझे मिल रहा है चार। तो अब अगर बोला जा रहा है कि ये जो आपने ये लिया बी और सी, अगर आपका एक डायमीटर है एक सर्कल का, तो मैं एक सर्कल बना देता हूं इस बीसी सर्कल का, मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां एच और के सेंटर होते हैं, ठीक है, एच और के सेंटर होते हैं और आर रेडियस होता है। रेडियस मुझे ऑलरेडी इसका ये चार तो डायमीटर था, यहां से यहां तक डायमीटर था 4/2, मेरे पास रेडियस है 2, मेरे पास रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर 4 हो गया। सेंटर पॉइंट क्या है, तो देखो इन दोनों के बीच सेंटर पॉइंट तो ऑफ कोर्स मुझे इस एक्सिस पे मिल रहा है, इस एक्सिस पे आपको एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा। वाई कितना मिला है, यहां से यहां तक कितना ऊपर गया है, ये कितना ऊपर गया भैया, तो माइनर एक्सिस के हाफ लेंथ के बराबर, यानी कि यहां से यहां तक आपका 1 है। माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, इसका हाफ b, यहां से यहां तक, और b क्या मेरे पास 1, यहां ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो मुझे सेंटर मिल गया। यहां 0 पुट करूंगा, ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बस लिख दूंगा, और के की जगह मेरे पास 1 है। अब एक्सपेंड कर दू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अच्छा एक्सपेंड ना भी करूं ना, तो अपने पास इक्वेशन आ चुका है सर्कल का। अब बस बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट्स को बस इस सर्कल के इक्वेशन पुट कर करके देख लूंगा। पहला पॉइंट √3,0, रूट एक्स स्क्वायर ये हो गया 3 + 0 है ना, ये 1, 0 - 1 का स्क्वायर 1 = 4, पहला हमारा पहला ही सही हो गया ऑप्शन 15 का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें, तो बोला गया है अरे ऑफ लाइट नॉर्मल थ्रू दिस, अरे ऑफ लाइट थ्रू दिस पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट पी ऑन द वाई एक्सिस। देखो कुछ ऐसा है, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, क्या है 2,1, कोई एक पॉइंट पी है इस वाई एक्सिस पे, ए कॉमा बी बोल देता हूं, ठीक है, इतना कहाँ गया, हाँ ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस पे एट पी पॉइंट, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास कर रहा है 5,3 से, यानी कि यहां से यहां गया और यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है, क्या पॉइंट है 5,3। फिर इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन एलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/3, यानी कि ये जो हमारे पास है ये रिफ्लेक्टेड रे है किसी एलिप्स का, जैसे डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, जैसे एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो एक डायरेक्ट्रिक्स ये है ठीक है जिसका इसेंट्रिसिटी 1/3 है, देन डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स, और ये बोला गया है कि इस डायरेक्ट्रिक्स से नियरर, इस डायरेक्ट्रिक्स से नियरर फोकस का डिस्टेंस 8/√53 है। देन इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स कैन बी, जैसे किसी भी एलिप्स के दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक का इक्वेशन या तो इसका या इसका दिया गया है, तो दूसरे का इक्वेशन आपको बताना है। बेसिकली दो इक्वेशन ऑप्शन में दिए गए हैं, क्यों भैया, एलिप्स हो सकता है इधर रहा हो, एलिप्स हो सकता है इधर रहा हो, अगर इधर रहा होगा तो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स मुझे इसके साथ ये मिलेगा, अगर इधर रहा होगा तो इसके साथ दूसरा डायरेक्ट्रिक्स मुझे ये मिला होगा, तो दो इक्वेशन मिल सकते हैं। चलो देखना चालू करते हैं, पहले इसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है, पहले इसका इक्वेशन निकालो, क्या आएगा अपने पास, अगर मैं देखूं जो रिफ्लेक्ट हुआ है एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाता है, जितना इसका इंसिडेंट एंगल उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब मैं अगर यहां एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसे बोल दूं कि ये मेरे पास थीटा है, तो ये 180 - थीटा हो जाएगा,
ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी मेरे पास 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इन दो पॉइंट्स की मदद से, ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकाल सकता हूं। क्या आएगा स्लोप, क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इसे सेकेंड पॉइंट बोल दू, इसे फर्स्ट पॉइंट बोल दू, तो बी माइनस वन बाई ए माइनस टू इक्वल्स टू, स्लोप कितना है मेरे पास, एम। एम क्या होता है, टैन थीटा के बराबर भी होता है, इतना इक्वल्स टू टैन थीटा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ना, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना, ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, यानी कि एक्स का वैल्यू जीरो रहा होगा, ए का वैल्यू तो पहले ही जीरो कर दो, ठीक है। दूसरा, इसके मदद और इसके मदद से इसका स्लोप निकाल सकता हूं। इसे अगर मैं सेकेंड पॉइंट, इसे फर्स्ट पॉइंट बोल दूं, तो बी माइनस थ्री बाई जीरो माइनस फाइव इक्वल्स टू टेन, इसका थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। इस ये जीरो हटाओ, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा का एक वैल्यू ये आया है, एक वैल्यू ये आया है, तो बी माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू बी माइनस वन बाई माइनस टू, मल्टीप्लाई करो, माइनस टू बी प्लस सिक्स इक्वल्स टू फाइव बी माइनस पांच, ये इधर आएगा, टू बी इधर आएगा, ये इधर आएगा, इलेवन इक्वल्स टू सेवन बी, बी इक्वल्स टू इलेवन बाई सेवन, ये हमारे पास बी का वैल्यू आ गया। अब आगे क्या पूछा है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे का बेसिकली, अभी बस ये जीरो कॉमा बी का वैल्यू आया है, जो कि है जीरो कॉमा इलेवन बाई सेवन, ठीक है। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं, ये अपने पास रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्टेड रहे इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं। क्या होगा इसका इक्वेशन, जानते जब दो पॉइंट्स दिए गए हो उनका इक्वेशन टू पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। इसे सेकेंड पॉइंट, इसे फर्स्ट पॉइंट मान लूं, थ्री माइनस इलेवन बाई सेवन अपॉन फाइव माइनस जीरो इक्वल्स टू वाई माइनस इलेवन बाई सेवन अपॉन एक्स माइनस जीरो, 21, 21 माइनस इलेवन इक्वल्स टू टेन बाई सेवन, और ये फाइव, ये मैं लिख सकता हूं टेन बाई सेवन, फाइव ऊपर नीचे कटेगा, ये हो जाएगा टू, ठीक है। ये सेवन मेरे पास यहां आ जाएगा, नीचे सेवन, सेवन नीचे उतर कर आ जाएगा, ये दोनों सेवन कैंसल हो जाएगा, ये इधर जाएगा टू एक्स इक्वल टू सेवन वाई माइनस इलेवन, तो एक तरीके से टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास इस रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन आ गया। अब मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड लाइन कुछ इस तरीके से है, इसी को दोबारा बना रहा हूं, ये लाइन मेरे पास इस तरीके से है, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्टेड लाइन, अब एक जो हमारे पास, मान लेते हैं ये आपका एलिप्स इधर रहा होगा, या एलिप्स आपका इधर रहा होगा, ठीक है। इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए आपका दूसरा डायरेक्ट्रिक्स ये बन जाएगा, ठीक है भैया। तो करना क्या है आपको, करना बस इतना है कि इन दोनों का इक्वेशन देखो, चाहे डायरेक्ट्रिक्स ये बने या ये बने, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा आप जो दोनों डायरेक्ट्रिक्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल होने का मतलब कि एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम होता है, यानी कि इन दोनों के जो इक्वेशन होंगे वो टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस लैम्डा वन, और दूसरे का इक्वेशन टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस लैम्डा टू बोल देता हूं। अब क्योंकि लैम्डा वन और लैम्डा टू मुझे अभी ज्यादा डिफरेंस पता नहीं, तो टू एक्स माइनस सेवन वाई प्लस
इक्वल्स टू प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, अभी ये रहने देता हूं, ठीक है। इनका इक्वेशन मैंने ये लिख दिया, यहां से मुझे दो लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों दो अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगे, तो दो अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा, एक में लैम्डा वन पुट कर दूंगा, एक में लैम्डा टू। तो देखो भैया, इक्वेशन अपने पास ये आ रहा है। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है क्या? यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स के, चाहे ये हो चाहे ये हो, दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है हमारे पास टू टाइम्स ए बाई ई, ठीक है। इसेंट्रिसिटी हमारे पास दिया गया है 1/3, तो 3 ऊपर जाएगा। अब ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं ए का वैल्यू कैसे निकलेगा। डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स इज 8/√53। बोल रहा है कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, चाहे एलिप्स ये रहा हो चाहे ये रहा हो, इसका जो नियरर फोकस है, मान इसका नियरर फोकस इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे डिस्टेंस दिया गया 8/√53। ये डिस्टेंस कितना होता है? तो देखो, यहां से लेके यहां तक आपके पास ये होता है ए बाई ई, और ये होता है सी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। यस, आपका नियरेस्ट फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 8/√53 इक्वल्स टू ए बाई ई माइनस सी, ठीक है। अब देखो, मुझे ई का वैल्यू पता है, ए का पता नहीं है और सी का पता नहीं है, ठीक है। तो सी तो ए का ही वैल्यू तो मुझे बेसिकली पता लगाना है, ई का वैल्यू पता है, और तो ई का वैल्यू अगर मैं लिख दूं ये 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, हो गया 3 है। सी का वैल्यू क्या लिख सकता हूं? हम जानते हैं ई इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, तो सी इक्वल्स टू ई ए होता है। E का वैल्यू कितना दिया गया? 1/3, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू ए बाई थ्री। इसको इवेल्युएट करूं, ये 9a - a/3, ये हो जाएगा 8a/3। ए इक्वल टू 3/√53, ठीक है। अब बीच में इसके बीच के डिस्टेंस कितना है भैया? इसके बीच हमारे पास डिस्टेंस है, अभी हमने ऑलरेडी अभी पता लगाया था, क्या पता लगाया था? 2ae। e का वैल्यू क्या था? 2a/e का वैल्यू 1/3, 3 ऊपर गया था, इधर जाके 6a। तो यहां से यहां तक का वैल्यू हमें मिल गया था 6a, a का वैल्यू ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा ये डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू अगर मुझे पता है, जो कि दिया गया 3 × 6 = 18/√3, इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है, अगर दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल दिए गए, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो, एक तो इक्वेशन हमारे लिए इसके लिए, इसके लिए हमने लिख लिया 2x - 7y + λ। दूसरा जो इसका हम हमारा नॉन इक्वेशन है, ये होता है 2x - 7y + 11 = 0, ये गिवन है। अब पैरेलल लाइन में ये दोनों चीजें तो सेम होती है, तो जो डिफरेंस लेते हैं हम इस तरीके से मॉड के अंदर, इस λ - 11 या 11 - λ, मॉड के अंदर है दोनों वैल्यू चलेगा, ये लिखते हैं। और अंडर रूट में, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों में से किसी एक का एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, नीचे बचा 53। तो ये 53 और ये यहां 53 था, 5√3 नहीं था, ये 53, ये दोनों कैंसल हो गया। तो आपके पास वैल्यू आ रहा है लैम्डा इक्वल्स टू, देखो λ - 11, एक बार प्लस के साथ खुलेगा तो 18, और एक बार माइनस के साथ खुलेगा तो भी 18। यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या मिला? इधर प्लस करोगे तो 29,
इधर अगर आप करोगे तो माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 11 प्लस हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा 9, 9 तो नहीं 7, ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू -7। ठीक है, अब इक्वेशन क्या दिया गया, मुझे दो इक्वेशन चाहिए था ना, एक इसका था एक इसका था, लैम्डा के मैंने बोले थे दो वैल्यू आएंगे, तो यहीं से दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक के लिए 2x-7y प्लस लैम्डा 29 अगर पुट करो +29=0, और दूसरा 2x-7y प्लस लैम्डा, लैम्डा या -7=0, देख लो कहाँ है 2x-7y, या तो 3 या फिर 4। फिर उसके बाद आपके पास +29 और -7, +29-7 ये ऑप्शन, 16 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें, तो बोला गया है द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड द पॉइंट ऑन दिस एलिप्स इज क्या है। देखो ये एलिप्स है हमारे पास, क्या है, x²/4, ये हमारे पास एलिप्स है, इस पे हमें कोई एक पॉइंट लेना है, मान लेते हैं पी, ए कॉमा बी लिख देता हूं, ठीक है, और एक पॉइंट है -3, -5, इनका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट होगा, अगर मैं इसे x, y लिख दूं, अगर मैं इसे x, y लिख दूं इसके मिड पॉइंट को, तो इस मिड पॉइंट का ही लोकस पूछा है, यानी कि इस मिड पॉइंट का इक्वेशन पूछा है, तो बेसिकली मैं x को क्या लिख सकता हूं, मिड पॉइंट है तो a प्लस -3, ये होता है ना, अगर दिस प्लस दिस तो यहां माइनस है, तो a-3/2। y क्या हो जाएगा हमारे पास, b-5/2, ठीक है। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x=a-3, तो a=2x+3, ठीक है, इस तरीके से b=2y+5। अब a और b हमारे पास पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, ए और बी इसके ऊपर पॉइंट्स है, तो क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये पॉइंट आपके पास बोला गया ना, पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, तो उस पॉइंट को हमने ए कॉमा बी मान लिया इसके ऊपर, तो ए कॉमा बी से सेटिस्फाई करेगा, तो x² की जगह मैं a² लिख सकता हूं, +b² / 9, अब a² की जगह 2x+3² यहां से डाल सकता हूं /4, बी की जगह 2y+5² /9=1। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा। देखो पहले बता देता हूं, कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर आपसे लोकस पूछे ना, और ऑलरेडी अगर एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि इस पे आने वाला कोई एक पॉइंट मैं कहीं से अगर ले सकता हूं तो ले लूं, इस केस में मैंने a, b ले लिया है, ठीक है, और जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है उस पॉइंट को आप x, y लिख दो। अब इस एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हमने यहां निकाला, कि एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है, अब वापस से जो पॉइंट आपने इसके ऊपर अज्यूम किया है, उस पॉइंट के फॉर्म में ये जो आपकी चीजें आई है ना, ये सारे टर्म्स, जो पॉइंट आपने इस पे अज्यूम किया है उस पॉइंट के फॉर्म में सारी चीजों को लिख दो। तो मैंने a, b अज्यूम किया था, तो यहां से जो इक्वेशन आया a, b के रूप में लिख दिया। अब ए और बी जो पॉइंट था वो इसके ऊपर लाई करता है, ए और बी यहां यहां डाल सकता हूं। अब क्योंकि ए खुद हमारा जो पॉइंट मुझे चाहिए था, जिसका लोकस चाहिए, उस पॉइंट के फॉर्म में ए लिखा गया, बी भी उस पॉइंट के फॉर्म में लिखा गया है, तो ए और बी जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी का जब इसमें वैल्यू डालूंगा, तो एक्चुअली ए की जगह इन दोनों के रूप में, देखो ए डाला था लेकिन ए के बाद इस रूप में हम डाल दिए हमने, ठीक है, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। करना कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए वापस से, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेम फंडे सेम कॉन्सेप्ट पे बार बार देगा आपको, कि एक पॉइंट का आप लोकस बता दो, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन उस कर्व उस एलिप्स जो भी दिया गया उस पे पॉइंट a, b अज्यूम करना है, उसी a, b को यहां सेटिस्फाई कराना है, a, b का वैल्यू आप निकाल लो इस पॉइंट के रूप में, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी यहां बोल सकता था कि
ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास होगा इसका 2 टाइम्स प्लस 3। अब ये डायरेक्टली मैंने कैसे बोल दिया, बेसिकली इसका 2 टाइम्स माइनस दिस वैल्यू होता है, क्योंकि यह माइनस है इसलिए प्लस 3। अब डायरेक्टली आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए पहले मैंने एक्स के टर्म्स में इनको लिखा, फिर उसके बाद ए के टर्म्स में लेके आया, और इस जैसे कि ए सेटिस्फाई कर रहा है तो ए को हमने पुट कर दिया, और ए का वैल्यू अब एक्स और वाई के टर्म में है, मतलब इस वेरिएबल के टर्म में। तो अब जो फाइनल आपने यहां पुट किया है, एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया था, तो इसके टर्म में इक्वेशन आ जाएगा। अब चलो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें हटा देते हैं क्योंकि अब मुझे फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है, इनकी जरूरत नहीं है। इसे अगर एक्सपैंड करूं तो अपने पास आएगा 4x² + 9 + 12x/4 + 4y² + आपके पास यहां से 25 + 20y/9=1। 9 इधर लेके जाओगे, 4 इधर आ जाएगा। अब 9 और 4 दोनों जो नीचे मल्टीप्लाई हुए थे वो 36 इधर आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करोगे 36x² + 81 + 108x + 16y² + आपके पास 100 + यहां से 80y = 36। तो 36x² अब देखते हैं फॉर्म में मैच करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ लिखा गया है, तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को एक साथ लेके आओ। फिर इसके बाद एक्स और वाई के टर्म्स एक साथ लिखे गए, एक्स का टर्म वाई का टर्म। अब उसके बाद बच गया ये वैल्यू 81 + 100 + 36। अच्छा अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं 181, इसमें से 36 घटा दूं, यहां से आएगा 5 और यहां से 7 3 4 145 है ना, +145 = 0। अब देखो ये कहाँ है, 36x² + 16y² तो ये नहीं हो सकता, 36 ये हो सकता है, ये यहां पर भी गिवन है, यहां भी गिवन है, इसके आगे +108x + 80y, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, यही वैल्यू है 17 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। तो क्या बोला है कि लेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, एलिप्स बनाओ पहले, मान लेते हैं एलिप्स कुछ ऐसा दिखता हमारे पास, ठीक है। मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस एलिप्स, x² / a² + y² / 4 = 1। जहां पे a ग्रेटर देन 2 है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 4 रहा होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू 4 से बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है, तो यानी कि मेजर एक्सिस x के ऊपर ही हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। मेजर एक्सिस हमारे पास a के ऊपर लाई, x के ऊपर लाई कर रहा, तो ये मेजर एक्सिस है x और ये माइनर एक्सिस है। b स्क्वायर का वैल्यू में क्या मिला है 4, तो b का वैल्यू +-2, इसे इस पॉइंट को 2 बोल देता हूं, इस पॉइंट को -2 बोल देता हूं, ये आपका 0,0 ओरिजिन है। हैविंग वन ऑफ इट्स वर्टिसेस एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, ट्रायंगल का जो एक एंड है, ट्रायंगल का जो एक वर्टिक्स है वो आपके मेजर एक्सिस के एक एंड पे है, किसी भी एक एंड को ले सकते हो, मान लेते इस एंड की बात कर रहे हैं, ये एंड या फिर ये एंड मेजर एक्सिस का एंड होता है, चलो इसी एंड को हमने ले लिया। ये एंड क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर आप देख लो, अगर ये आपने ए अज्यूम किया, ये आपके पास 1,0, ठीक है, एक एंड ये हो गया, एंड वन ऑफ इट साइड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और इसका जो एक साइड होगा वो आपका वाई एक्सिस से पैरेलल है, यानी कि वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हमने बोल दिया कि वो यहां है, ये कुछ ऐसा है, और क्या बोला गया है कि इस
सर इस एलिप्स के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, यानी कि इस एलिप्स के अंदर अंदर रहने वाला है, पैरेलल है तो क्या कहीं तक भी नहीं जा सकता, ये इनके पॉइंट्स पे आके रुक जाएगा, पैरेलल है तो इसके पॉइंट्स पे आके रुक जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट इन्हें टच करूंगा, एक पॉइंट इन्हें टच करूंगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी एक एलिप्स के ऊपर, जो कि अगर ये तो बहुत एक जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स है, जब सेंटर आपके जीरो कमा, इसका जो सेंटर है जीरो कमा जीरो पे होता है, मान लेते सेंटर जीरो कमा जीरो पे नहीं है, देन एलिप्स का हमारे पास इक्वेशन होता है एक्स कॉमा एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ठीक है, जहां पर एच और के हमारे पास सेंटर पॉइंट्स होते हैं, है ना, एच और के हमारे पास इसके सेंटर पॉइंट्स होते हैं। अब क्योंकि देख सकते हो यहां माइनस एच और माइनस के का वैल्यू नहीं, यानी कि जीरो जीरो है, इसीलिए यहां इस केस में आपका एच और के का वैल्यू जीरो कमा जीरो होता है, इसलिए हम कहते हैं सेंटर जीरो कमा जीरो पे है। तो इस केस में भी तो सेंटर हमारा जीरो कमा जीरो पे ही है, तो एच और के का मैं कुछ वैल्यू ले नहीं सकता, ठीक है। पर उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि किसी भी एलिप्स के एक इन जनरल पॉइंट को हम कहते हैं, इन जनरल पॉइंट को हम कहते हैं ए। आपके पास एच प्लस ए कॉस थीटा कॉमा के प्लस बी साइन थीटा, ये होता है हमारा एक इन जनरल पॉइंट, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं ये देख सकता हूं कि अपने पास सेंटर जीरो कॉमा जीरो पे है तो एच और के का कोई वैल्यू नहीं है, बी का वैल्यू मेरे पास प्लस टू माइनस टू हो सकता है, तो यहां के लिए इस पॉइंट के लिए मैं क्या ले सकता हूं, इस पॉइंट के लिए मैं प्लस टू रख देता हूं, ठीक है, टू साइन थीटा, और यहां पे ए कॉस थीटा ही रहने देता हूं। अब देखो क्योंकि वाई एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इसका एक्स का वैल्यू अगर इसका पॉइंट लिखते हो ए कॉस थीटा, अब ये अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स की जगह तो सेम ही वैल्यू रहेगा जो कि ए कॉस थीटा है, ठीक है। बस आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा वो चेंज होगा, यहां टू साइन थीटा था तो यहां माइनस टू साइन थीटा हो जाएगा, क्यों भैया, इसलिए क्योंकि ये जितना डिस्टेंस ऊपर जाता है उतना ही डिस्टेंस ये नीचे आता है एलिप्स में, तो ये दो पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। अच्छा और कुछ हमारे पास दिया गया है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इतना भी 6√3, ठीक है, यानी कि ये जो आप ट्रायंगल यहां बनाओगे इसका जो मैक्सिमम एरिया हो सकता है वो 6√3 है, ये आपके ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया है। तो हम देखते हैं कि थीटा के किस वैल्यू के लिए, थीटा का क्या कुछ वैल्यू रखें कि हमारा 6√3 जैसा कुछ वैल्यू बने। इसके बाद आपका इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सी बाई ए, ये सारे वैल्यूज के लिए पहले मुझे ए का अता पता होना जरूरी है, ठीक है, ए का अता पता होना जरूरी है, थीटा वगैरह भी कुछ कुछ करूंगा जो देखता हूं आगे क्या कर सकता हूं। तो मुझे तीन पॉइंट्स मिल गए ना, ट्राइंगल का एरिया गिवन है, भले ही मैक्सिमम एरिया गिवन है लेकिन ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, या फिर ट्रायंगल का एरिया अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से जानना हो तो आप ये देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इसका क्या है, यहां से यहां तक देख लो ये कितना है, टू साइन थीटा से लेके माइनस टू साइन थीटा, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस फोर साइन थीटा, इतना माइनस इतना, अब ऑलरेडी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फोर साइन थीटा इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भैया, ये है ए कॉस थीटा पे और इधर है ए, यानी कि ए माइनस ए कॉस थीटा, इनसे अगर ए कॉमन ले लूं, वन माइनस कॉस थीटा, ये मेरे पास एरिया हो गया, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, इस टू से इसको कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा टू इतना, इसे मैं लिख सकता हूं टू ए साइन थीटा माइनस, टू ए साइन थीटा माइनस इसके साथ जाएगा टू
टू ए साइन थीटा कॉस थीटा। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा, ये हो जाएगा ए साइन टू थीटा। इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है आपका, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब निकलता है, अगर इसे मैं बोल दूं कि ये कोई फंक्शन एफ है, मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, पहले ये क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना पड़ता है, किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम या मिनिमम जो भी दे सकता है वो एफ डैश इक्वल्स टू जीरो करने पे आएगा। यानी कि इस पर इसका एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे, जिस पॉइंट पे जीरो आता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा उसी पॉइंट पे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम के लिए देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एफ डबल डैश से पता चलेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। पहले एफ डैश निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा टू ए, यहां से आपका इसे कॉस थीटा कर देंगे, माइनस ए तो ए रहेगा और साइन टू थीटा का आपके पास कॉस टू थीटा हो जाएगा, और टू थीटा का टू बाहर आ जाएगा, टू ए कॉस टू थीटा। अब ये जब जीरो होगा, टू ए कॉस थीटा माइनस टू ए कॉस टू थीटा, ये जब जीरो होगा उसी जगह मुझे आपका कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिल रहा होगा मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। तो दोनों जगह से टू ए कॉमन लेके एक साइड लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। कॉस टू थीटा को हम जानते हैं, इसे लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। मैं यहां से कर सकता हूं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। टू कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा माइनस वन प्लस वन कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से लिख सकते हो टू कॉस थीटा प्लस वन कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इक्वल टू यहां से माइनस वन बाई टू, और यहां से हमारे पास वन। अब देखते हैं कॉस थीटा कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास माइनस वन से वन के बीच में होता है, दोनों ही वैल्यूज माइनस वन से वन के बीच में है, लेस देन इक्वल्स टू पे होता है हमारा, तो इक्वल्स टू वन है चलेगा, माइनस वन बाई टू इनके बीच में दोनों वैल्यू चलेगा। तो यानी कि हमें दो क्रिटिकल पॉइंट के वैल्यूज मिले हैं, माइनस वन बाई टू और वन, एक पे मैक्सिमम मिल सकता है एक पे मिनिमम मिल सकता है, या फिर दोनों पे हमें आपका मिनिमम मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पे मैक्सिमम मिल जाएगा, अगर दोनों पे मैक्सिमम मिल जाएगा तो मिनिमम वाला पॉइंट ही नहीं बचेगा, तो आंसर कहां से लाओगे। अच्छा, आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए था, ठीक है, आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए था, तो या तो एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम या फिर दोनों पे मैक्सिमम, ठीक है। अब देख लेंगे, अगर दोनों पे मैक्सिमम आ रहा है यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होता है कुछ ऐसा होता है, देखो कर्व अगर बनाओगे ना क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं किसी भी कर्व के लिए, इन जनरल कर्व के लिए बता रहा हूं, तो मान लेते हैं एक जगह ऐसा और एक जगह ऐसा, जहां जहां भी आपका स्लोप जीरो होता है ना वहां वहां आपको ये वैल्यू देखने को मिलता है, क्योंकि हमने क्या किया था, एफ डैश जीरो किया था, एफ डैश आपका क्या देता है, स्लोप देता है, उसे जीरो करके वैल्यू निकाला, यानी कि स्लोप इक्वल टू जीरो कहा है हमने, वो वैल्यू देखा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों जगह मैक्सिमम मिल जाए, लेकिन ये दोनों लोकल मैक्सिमम होते हैं, फिर दोनों का अगर दोनों जगह मैक्सिमम मिल रहा है तो दोनों का वैल्यू पुट करके देखते हो एक्चुअल इक्वेशन में, जहां पे एक्चुअली सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है जो कि मुझे यहां ये दिख रहा है उस वैल्यू को लेते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो दोनों वैल्यूज में मुझे मिनिमम मिल जाए, क्योंकि अगर दोनों में मिनिमम मिल गया तो मैक्सिमम के लिए कोई पॉइंट ही नहीं बचा, तो फिर मेरा आंसर भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से फ्रेम करके देगा ही देगा कि कम से कम आपको अपना वैल्यू मिल जाए। देखो बहुत आसानी तब होती है ना जब आपको सीधा एक ही वैल्यू मिल जाए, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है अगर मिनिमम पूछा जाता है तो उस पॉइंट में मिनिमम ही निकलता है, मैक्सिमम पूछा जाता है उस पॉइंट में मैक्सिमम ही पूछा जाता है, अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो जेईई मेन में तो क्वेश्चन अगर आप सीधा अगर एक ही पॉइंट दिया गया है ना, जो क्वेश्चन पूछा है सीधा एफ डबल डैश बिना चेक किए हुए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत भी हुआ तो ऑटोमेटिकली नंबर मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन सही हुआ यानी कि अगर मैक्सिमम पूछा है तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमम का ही होना है, लेकिन अपने पास दो पॉइंट है तो दोनों के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलो अपने पास ये आया था ना एफ डबल डैश निकालते हैं, इसका एफ डबल डैश करोगे तो क्या आएगा मेरे पास,
टू ए कॉस थीटा, टू ए कॉस थीटा करोगे तो मेरे पास आने वाला है, यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस टू ए साइन थीटा, ठीक है, और यहां से टू ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, कॉस टू थीटा आपका साइन टू थीटा तो बनेगा, माइनस पहले से था लेकिन इसका भी माइनस आएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक इसका टू थीटा का भी एक डिफरेंशिएशन होगा, टू बाहर आएगा, ये हो जाएगा फोर। अब एफ डैश का वैल्यू आ चुका है तो देख लेते हैं कि इनमें से माइनस वन बाई टू या फिर वन किस पे मुझे मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। मिनिमम मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए और मैक्सिमम मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं माइनस वन बाई टू पे क्या आ रहा है। तो भैया कॉस का वैल्यू पूछा मुझे, मुझे पता है कॉस थीटा का वैल्यू माइनस वन बाई टू, लेकिन यहां साइन थीटा का वैल्यू मुझे पुट करना है, तो चलो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो पहले कॉस थीटा देखो किस एंगल के लिए माइनस वन बाई टू रहा होगा। कॉस थीटा यहाँ पे आपके पास जीरो पे वन होता है, 90 डिग्री पे जीरो होता है और यहाँ माइनस वन होता है, तो एक तरीके से बोल लो माइनस वन बाई टू कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा। अब देखो कॉस थीटा के लिए सिमेट्रिकल वैल्यू वन से जीरो, वन से जीरो, बस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव वैल्यूज मिलता है। तो यहाँ देखो कितना एंगल ऊपर चढ़े होंगे तो मुझे वन बाई टू मिलता है, इधर यहाँ मुझे 60 डिग्री ऊपर चढ़ने पे वन बाई टू मिलता है, तो 60 डिग्री ऊपर चढ़ेंगे तो मुझे माइनस वन बाई टू, या 180 से 60 ऊपर चढ़ेंगे तो ये 120 डिग्री पे मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली 120 डिग्री अगर मैं इसे बोल दूं, और वन का क्या है भैया, मुझे कॉस थीटा वन मिलता है आपका 0 डिग्री पे, ठीक है, ये 0 डिग्री मैं बोल सकता हूं। अब यहां वैल्यूज पुट कर सकता हूं, पहले इसके लिए पुट करूं 120 डिग्री के लिए, तो यहां पे आ जाता है आपका माइनस टू ए आपका साइन 120। साइन 120 क्या होगा भैया, देखो इसे इरेज करो, पूरे को इरेज करते हैं, ये बनाओ, साइन यहां आपके पास जीरो होता है, वन होता है, जीरो होता है, माइनस वन होता है, 120 डिग्री यहां होता है, यहां भी देख लो वन से जैसे जैसे इधर उतरा है वैसे वैसे इधर भी उतरा है, और इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ठीक है। तो मुझे 120 डिग्री के लिए चाहिए होगा ना, 120 डिग्री यहां है, ये होता है 90 डिग्री, कितना उतरा है इधर से, इधर 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री उतार देंगे इधर, तो यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3/2, तो इधर भी रहा होगा अंडर रूट 3/2 प्लस 4a साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा क्या होता है, 120 का 2 टाइम्स करोगे 240, यहां होता है 180 डिग्री, यहां होता है 270 डिग्री, यानी कि 240 कहीं ना कहीं यहां रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, यानी कि जितना इधर चले होगे उतना ही इधर सिमेट्रिकल वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है भैया। या फिर अगर आप डायरेक्टली वन से भी कंपेयर कर लो, जब ये इस तरीके से देखो, जब ये जीरो से वन गया था जब ये जीरो से देखो, या फिर ऐसे देख लो, ये जीरो से माइनस वन की तरफ जा रहा है और ये जीरो से वन की तरफ जा रहा है, बेसिकली दोनों जीरो से वन की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ये जीरो से कितना आगे गया, 180 से कितना आगे गया है, 240 मतलब 60 डिग्री, तो यहां से अगर 60 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे कितना वैल्यू मुझे मिलेगा, अंडर रूट 3/2, तो ये भी अंडर रूट 3/2, बस साइन इसका नेगेटिव होगा, माइनस अंडर रूट 3/2 यहां पुट करूं तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब बोला गया है कि ए इज ग्रेटर देन टू, यानी कि ए तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव, 120 डिग्री के लिए मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम एरिया मुझे यहीं पे मिलेगा, मैक्सिमम एरिया मुझे यहीं मिलने वाला है, ठीक है भैया। तो वन पे क्या होगा भैया, वन पे मेरा 0 डिग्री आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ये ओवरऑल साइन यहां भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो
ये तो ना तो पॉजिटिव मिल रहा है ना नेगेटिव मिल रहा, तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो बात ही छोड़ दो, 0 डिग्री के लिए जो आया आपको 120 डिग्री के लिए देखना है, तो 120 डिग्री इसमें पुट करो, आपको अपना मैक्सिमम एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। तो साइन 120 अभी हमने निकाला अंडर रूट 3/2, इसे लिखना चालू करते हैं। 2a sin 100, साइन थीटा कितना था, अंडर रूट 3/2 साइन 120 माइनस ए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना है, ये भी आपका माइनस अंडर रूट 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3/2 अभी हमने निकाला था ये वैल्यूज। अब इन दोनों को अगर कर दो 2a√3 और a√3, तो ये हो जाएगा 3a√3/2, ठीक है। और ये मैक्सिमम एरिया है, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया गया है कितना, 6√3। तो यहां से √3 कटेगा, यहां से √3 कटेगा, 3 काटोगे ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये इधर लेके जाओगे 4, a का वैल्यू 4, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी लिख रखी थी। अब इस इक्वेशन में अगर पुट कर दो, a का वैल्यू 4 है तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू 16 हो गया, क्योंकि a का वैल्यू 4 था, a स्क्वायर का वैल्यू 16, b स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया गया है। पूछा क्या गया हमसे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हमारे पास होता है इक्वल टू c/a, या फिर अगर c, अगर b और a के वैल्यू दिए गए हैं डायरेक्टली आप कर सकते हो 1 - b² / a², क्योंकि पहले आप c निकालोगे फिर इसे पुट करोगे, सीधा ये वैल्यू पुट कर सकते हो। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास, 4, ए स्क्वायर का वैल्यू दिया गया 16, 16 - 4 ऊपर जाएगा 12, नीचे आएगा 16, 12/16 ऊपर कट करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 से ये नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आएगा अंडर रूट 3/2, 18 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले, तो क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि हमारे पास एक लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, ये मीट करता है इस एलिप्स पे दो पॉइंट्स पे p एंड q पे। इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल विथ pq एज डायमीटर देन 3r² इज इक्वल टू, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोला गया है। देखो एक एलिप्स दिया गया है x²/4 + y²/2 = 1, एक लाइन दिया गया y = x + 1, बोला गया है ये लाइन और ये कर्व किसी एक पॉइंट P और Q पे मीट करते हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका PQ डायमीटर है, तो इस सर्कल का रेडियस R है, तो मुझे 3r² का वैल्यू बताओ, ठीक है। 3r² का वैल्यू निकालने के लिए मुझे R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब उस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए उस सर्कल का डायमीटर मुझे चाहिए, diameter/2 कर दूंगा तो रेडियस आ जाएगा। डायमीटर ऑलरेडी बोला गया है कि PQ ही उस सर्कल का डायमीटर है, बस इतना सा फंडा है, तो कुछ नहीं करना है, PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, इसमें पुट कर देंगे। अब PQ के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा भैया, तो P और Q पॉइंट पता लगा लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। भूल गए हो तो थोड़ी देर वेट कर लो, देख लेते पहले P और Q पॉइंट निकाल लेते हैं। तो P और Q पॉइंट कैसे निकलेगा, मतलब कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो लाइन या कर्व जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, यानी कि इनका कोई एक वैल्यू इधर डाल दो, इनका कोई एक वैल्यू इधर डाल दो, कुछ भी कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ वाई का वैल्यू इधर डाल दू, वाई का वैल्यू कितना है x+1, तो वाई की जगह x+1 का² हो जाएगा 2 = 1, एक्सपेंड करूं ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 4, 4 अपना दोनों एक साइड जाएगा, ये हो जाएगा 4, एक्सपेंड करोगे तो x²+2x²+1+2x = 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x², ये और ये मिलके प्लस ये 2 2, ये हो जाएगा 4x + 2, ठीक है, ये 2 = 4। अब इधर 4 माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2। अब x का अगर वैल्यू निकाल ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू -b + -b² - 4ac/2a वाले फॉर्मूले से निकालें, तो यहां a है b है c है, तो -b + -b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into a 12 हो गया, इंटू सी जो कि -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 24 बाई 2a, तो 2 into 3 हो जाएगा 6, 16 + 24 होता है हमारे पास 40, 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10, 4 को बाहर लेके जा सकता हूँ, 10 को अंदर छोड़ दूँ, 4 बाहर लेके जाऊंगा रूट से तो बाहर आएगा 2, 2 √10, 2 से ऊपर नीचे अगर कट कर दूँ तो नीचे बचेगा 3, ये हट जाएगा, ये बचेगा 2, एक वैल्यू मुझे मिल रहा है -2 + √10/3, ठीक है, एक्स का एक वैल्यू तो ये मिल रहा है और एक माइनस के साथ मिल जाएगा, अगर एक्स का ये वैल्यू है, वाई क्या है, एक्स में बस एक ऐड किया गया है तो -2 + √10, ठीक है, अगर एक्स का ये वैल्यू लेता हूं तो वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ठीक है, दो जगह कट करा ना पी और क्यू पे, तो एक पॉइंट दोनों में से कोई एक पॉइंट लेना है बस, एक पॉइंट मेरे पास पी हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब इसका दूसरा वाला एक्स का दूसरा वैल्यू ले लेंगे, यानी कि -2, अब माइनस लोगे बाई 3, तो अब जब एक्स का वैल्यू ये लियो तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, x+1 यानी कि दिस +1, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हम जानते हैं भैया कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है, और दोनों का एक्स पॉइंट का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस वाई पॉइंट्स जो है दोनों का डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करते हैं, तो पहले एक्स पॉइंट का डिफरेंस लोगे तो ये -2 - 2 तो दोनों में कॉमन है, -2 - 2 कट जाएगा और √10, और इधर से माइनस डिफरेंस के लिए इतना माइनस इतना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा √10, तो ये हो जाएगा 2 √10/3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक इस तरीके से इसका डिफरेंस लो तो -2 - 2 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, इसके लिए भी आ गया 2 √10/3 का होल स्क्वायर, तो अब अगर निकाल लूं तो 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों, 2 टाइम्स ऑफ ये लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ क्या है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 × ये √10 का स्क्वायर 10, तो 4 × 10 = 40, बाई 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया √80/9, या फिर डायरेक्टली अब इससे भी मुझे रूट से कुछ बाहर लाना होगा, वो मैं यहीं से अगर लेकर चल जाऊं, इसे अगर 4 × 10 लिख दूं तो यहां से 4/9 मैं बाहर लेके चला जाता हूं, ठीक है, अगर 4/9 बाहर लेके जाऊं तो बाहर आएगा 2/3, अंदर बचेगा 2 × 10 आपका 20, ये आपके पास डायमीटर का वैल्यू, तो इसका रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ÷2, क्योंकि डायमीटर क्या था, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, तो पी क्यू के बीच का डिस्टेंस हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चला गया, बचा 1/3, अब बोला गया 3r², तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ये गया, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 20 मिल जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर ले, तो क्या बोला गया है, लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, जहां पे ए हमारे पास बी से बड़ा है, ऑफ कोर्स अब आपको इसलिए देखो, ए हमें हमेशा एलिप्स के इक्वेशन में ए बड़ा होता है बी से, लेकिन आपको इसलिए यहां पे बताया गया है क्योंकि ए और बी आप एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल भी तो सोच सकते हो, ठीक है, इसलिए ए और बी आपके यूजुअल टर्म्स है, ए स्क्वायर आपका बड़ा है बी स्क्वायर से, यानी कि यही हमारा मेजर एक्सिस है और ये हमारा माइनर एक्सिस है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी दिया गया है 1/4, इफ दिस एलिप्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, अब क्या बोला गया कि इस पॉइंट से आपका एलिप्स पार कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर की जगह इसे डालो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2/5 यानी कि 32/5 एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब 32/5 ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट किया हमने, एक्स की जगह ये था तो एक्स स्क्वायर की जगह ये आया, 32/5 ए स्क्वायर प्लस
वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 9 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां से आप अगर देखो ई इक्वल्स टू 1/4 दिया गया है। ठीक है, ई ई इक्वल्स टू, हम ये भी जानते हैं, स्क्वायर को थोड़ी देर में करता हूं, स्टेप मिस नहीं करना चाहता, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ई स्क्वायर कितना दिया गया, 1/4, सॉरी ई दिया गया 1/4, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 1/16। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर लेकर आओ, यही लिख देता हूं, ये इधर लेकर आओगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 15/16। ठीक है भैया, तो बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं आपका पंद्रह ए स्क्वायर बाई 16। बी स्क्वायर की जगह अगर लिख दू 15 ए स्क्वायर, और यहां 16 कर दू, अब ऊपर से अगर देखोगे 3 से कटेगा 9 तो ऊपर बचेगा 3, और 15 कटेगा 3 से तो बचेगा हमारे पास 5। 5 ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर नीचे कॉमन आ गए, तो लिख देखो 32 प्लस 3 गुने 16 इक्वल्स टू आपका 5 ए स्क्वायर। अब ये क्या होता है, 48, 48 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 80। पांच से अगर काटोगे 80 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां 16 पुट करोगे ये 16 और ये 16 कट जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 15। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 15 प्लस 16 हो जाएगा 31। 20 का ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हमारा आज का 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 21 से 31 तक नेक्स्ट वीडियो कल हम कवर कर लेंगे, और इसके साथ हमारा एलिप्स भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हाइपरबोला स्टार्ट होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।